प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, उसको हम अपनी सामान्य आँखों से संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए यह एक पृथ्वी की तरह एक छोटा सा मॉडल है। ठीक, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है, पृथ्वी का एक मॉडल है। जिस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है, उसी प्रकार से ग्लोब को भी झुकाया गया है। ठीक, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, और ग्लोब को भी उसी एंगल पर झुकाया गया है। ठीक, अब ग्लोब में ध्यान दीजिए, ग्लोब में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची गई होती हैं, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व जो रेखा खींची गई होती है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारे पूरे ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची गई होती हैं हॉरिजॉन्टल रूप में, उसे हम अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड कहा जाता है। ठीक, और जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई होती है, उसको देशांतर रेखा या उसको लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है, या 0 डिग्री अक्षांश की रेखा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इस रेखा के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इस प्रकार से और प्रमुख रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, और दूसरी रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा होती है, उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक, और दक्षिण में देखेंगे हम कि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश की रेखा होती है, उसको मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश की रेखा होती है, उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अब हम देशांतर रेखा पर ध्यान देंगे कि देशांतर रेखा में एक देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है, वो ध्यान दीजिए, वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के इसे गुजरती है। इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्रधान देशांतर रेखा। और इस रेखा के ठीक पीछे होता है 180 डिग्री देशांतर की रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आज यहीं तक देशांतर रेखा के बारे में, कल हम विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।